ये है दिल्ली दर्पण। दिखाई दे रही ये बिल्डिंग दिल्ली के अशोक विहार में स्थित सरकारी अस्पताल दीपचंद बंधु की है। दिल्ली का ये अस्पताल अब आदर्श अस्पताल बन गया है। जी हाँ, बृहस्पतिवार को जहाँ इस अस्पताल में दो नए ऑपरेशन थिएटर शुरू किए गए, तो वहीं उन लोगों की समस्याओं को भी समाप्त कर दिया गया जो सड़क पर एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी किसी को अस्पताल पहुँचाने से पहले सोचने को मजबूर होते थे। इस अस्पताल में ऐसे घायल लोगों को लाने वाले व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, साथ ही अगले ही दिन उसके अकाउंट में 2,000 रुपए भी डाल दिए जाएंगे ताकि आगे से कभी भी वो किसी घायल को अस्पताल लाने के लिए अग्रसर रहे। अस्पताल की एमएस डॉक्टर सुमन ने इस दिन को एक बड़ा दिन बताया और बताया कि दीपचंद बंधु में कितनी और किस किस तरह की सुविधाएं हैं और आगे वो क्या चाहते हैं। इस अस्पताल के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमने आज पहली बार यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की सर्विसेज शुरू करी है। आज पहली बार जो ऑपरेशन थिएटर में हमारा काम हो रहा है, दो ओटी हमने कमीशन कर दिए हैं और इसको आज से फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये हम आज जनता को ये सर्विसेज ऑपरेशन थिएटर की समर्पित करते हैं दीपचंद बंधु हॉस्पिटल की तरफ। ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन के मौके पर क्षेत्र के विधायक राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वो दो ऑपरेशन थिएटर और चालू करवाएंगे, साथ ही ये भी बताया कि डायलिसिस जैसी कई और सुविधाओं को भी इस अस्पताल में शुरू किया जाएगा। जैसे आपको बताया कि आज दो ऑपरेशन थिएटर भी चालू कर दिए और इससे पहले भी यहाँ पे हमने ओपीडी भी चालू करी हुई थी और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 6 ICU का जो 6 बेड है उसका ICU भी चालू करा हुआ था, 4 वेंटिलेटर भी हमारे पास। अब पाइपलाइन में ये है कि हम जल्दी ही हम यहाँ पे PPP मॉडल पे डायलिसिस चालू कर देंगे। इसके अलावा बहुत जल्दी दो ऑपरेशन थिएटर और चालू करेंगे अगर डिमांड हुई। इसके अलावा गायनी बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं ताकि जो जच्चा बच्चा केंद्र है वो भी हमारे यहाँ पे चालू हो जाएगा, वो बहुत जल्दी चालू। इस अस्पताल में अब कैलाश मानसरोवर जाने वाले व्यक्तियों के टेस्ट की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे वहीं अस्पताल में मौजूद मरीज भी इस अस्पताल की सेवाओं से खुश दिखे और उनका मानना था कि कम खर्चे के बाद भी इस अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं दी जाती हैं। अभी मेरे घर वाले का भी ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एस्कॉर्ट में हुआ, फ्री BPA निकाल से फ्री एक पैसा नहीं लगा। फिलहाल जहां दीपचंद बंधु की तरफ से मरीजों की सुविधाओं के लिए खास चीज़ों की उपलब्धता करवाई जा रही है और उन लोगों को मदद करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वो समाज कल्याण के लिए एक बेहतर कदम है। उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली के बाकी अस्पतालों में भी इसी तर्ज पर लोगों की सहायता के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। दिल्ली दर्पण TV के लिए कैमरामैन सोनू के साथ प्रदीप कोहली की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण TV पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर